कल जो त्राल में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे एक एसपीओ को शहीद कर दिया गया, और जब उसकी वाइफ और बेटी बचाने आई तो मिलिटेंट ने उस पर भी अंधाधुंध फायरिंग किया, उसको भी शहीद कर दिया। उसमें जैश मोहम्मद का एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और एक जैश का लोकल मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व था। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पीछे पड़े हैं, ट्रैक कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मिलिटेंट ने ये दिखा दिया कि कितना ये बारबरिक होता है। ये टीआरएफ वाले जो क्लेम करते हैं, इनोसेंट को मार को क्लेम करते हैं कि ये इन्फॉर्मर था, मुखबिर था, ये शो करता है कि जो कितने लोग बारबरिक हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोग दुष्ट हैं। लोग उनकी वाइफ चाहे बेटी कोई किसी का सोर्स नहीं थी, हस्बैंड भी एसपीओ था, बेचारा नौकरी कर रहा था पुलिस में। पुलिस करना, नौकरी करना तो गुनाह नहीं, अगर कोई पुलिस वाला एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भाग लेते हैं तो वो भी गुनाह नहीं, उनका ड्यूटी का पार्ट है। जबकि बेचारा है वो कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं था, वो सिंपल एक एसपीओ था। गरीबी हालत में लोग नौकरी ऐसा करते हैं पूरा। ये मिलिटेंट का असली चेहरा है। पिछले कुछ दिन में इनोसेंट को, सिविलियन हो या पुलिस वाला जो कहीं छुट्टी पर जाता है, अपने घर जाते हैं या मस्जिद के पास नमाज पढ़ने जाते हैं, उसको टारगेट कर रहा है लोग। एक सोसाइटी में, एक कश्मीर में एक फेयर साइकोसिस, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि इनको डर है आने वाले दिन में यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे यहाँ पर, अमन चैन होगा, उसको ये देखना नहीं चाहते हैं। कुछ पॉजिटिव टॉक भी चल रहा है, उसको भी डिस्टर्ब करना चाहता है। इनका ये मेन मकसद है, यह नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति हो, लोग यहाँ पर विकासशील हो, डेवलपमेंट हो, लोग दो पैसा कमाए, इसलिए ये सिविलियन को और इंसेंट को टारगेट कर रहे हैं लोग।